शहर में स्थिति गंभीर है लेकिन समोसे में स्वाद है। लोग लैक्टोसिरोसिस से मर रहे हैं। पर सर मैंने तो सुना है लोग जान से मर रहे हैं। अरे जान से तो मर ही रहे हैं लेकिन लैक्टोसिरोसिस एक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी जो फैलाती है ये समोसे। समोसों से मर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, चूहों से मर रहे हैं। शुक्ला समोसे कहाँ से लाए हो यार? वो नीचे मुड़ने पर सीधा हलवाई की दुकान से। हम यहाँ चूहों पे डिस्कस करने आए हैं, समोसों पे? समोसों पर। क्या? अब चूहों पर। देखिए ये बीमारी चूहों की वजह से फैल रही है, इसलिए हमें उन्हें पकड़ना होगा। मगर सर हमारा ये चूहा हमारा हेड है ना पांडे जी, ये कब काम आएगा? 25 से 30 चूहे डेली पकड़ने का एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों से। नहीं 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 पांडे जी, सरकार सभी चूहा मारों को काम नहीं दे सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक चूहा मार को 6,000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है, फिर TA DA, और वो मारता कितने? 25 चूहे, एवरेज आती है 15 रुपए पर चूहा। सरकार ने कहा है अब ये काम जनता करेगी, एक जिंदा या मुर्दा चूहा लाने वाले को मिलेंगे 4 रुपए। लेकिन हमारा क्या होगा? आप मक्खियां मारिए। पांडे जी आपका दुख देखा नहीं जाता, मतलब तो कुछ करो ना। क्या करें, मजबूर है ना। लेकिन आप भी दबा के हरामखोरी किए। क्या हरामखोरी किए हैं? 25 चूहे डेली पकड़ने का ऑर्डर था, 30-30 पकड़े। अरे भाई 30 डेली पकड़ के ले आते आप। क्या क्या माने? नहीं नहीं क्या, हमको मत सिखाइए तरीका पान थूकने का। वही 30 चूहे डेली पकड़े, वही छोड़े, फिर वही पकड़ लिए। अब डेली नए नए 30 चूहे कहाँ से पकड़े? ये लोग कहाँ से लाते हैं? ये लोग तो मेहनत करते हैं। तो आप भी कर लेते ना मेहनत। अब सारा दिन चूहे पकड़ने में लगा देंगे तो स्टेट एजेंसी का धंधा कौन संभालेगा? बाप बेटा वो भी खोले आप? हाँ। तो जाइए वहीं जाकर बैठिए फिर। लेकिन अगर कहीं सस्पेंड हो गया तो फिर दुकान का किराया कहाँ से दूंगा? पहले कहाँ से देते थे? चूहा पकड़ने की तनख्वाह मिलती थी 6,000। पांडे जी बात घर पे कहना पड़ रहा है कि आप लैक्टोसिरोसिस से भी ज्यादा फैल हुए। क्या जी? ये भाई साहब ये चूहे कहाँ जमा किए जाते हैं? ये उषा मैडम से फॉर्म लीजिए और जाके जमा करा दीजिए। देखो सासू माँ घर में बैठे बिठाए काम मिल रहा है ना? हाँ तो अरे एक चूहे के 4 रुपए कम नहीं होते, 5 भी पकड़ो तो भी 20 रुपए निकल जाते। क्या कहा? घर में चूहे कहाँ है, पूरा घर चूहे से भरा पड़ा है। अरे तो ससुर जी को बोलो ना मदद करने के लिए, एक दो भी पकड़ेंगे तो भी दिहाड़ी बन जाएगी। आ, गुड। ये उषा जी कौन है? यही तो मैं उषा जी। यही तो पिंजरा लगाओ ना। उषा जी? अरे अरे नहीं 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 जाने मत देना, मैं होल्ड करती हूँ। हाँ। उषा जी क्या है जी? मुझे चूहा जमा करने के लिए एक फॉर्म चाहिए। देखते नहीं मैं बिजी हूँ। अरे मैडम एक फॉर्म निकालने में कितना टाइम लगता है? नहीं नहीं तुम्हें नहीं, तुम चूहे पकड़ो, यहाँ नहीं है, तुम टीना से जाके मिलो। ये टीना कौन है? क्या हुआ? अरे ये तो जवान लड़की है, इनके साथ तो जरा प्यार से बात करनी पड़ेगी। आओ। एक्सक्यूज मी मिस। क्या है जी? मैंने 4 चूहे पकड़े हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप भाटिया साहब से जाके मिलिए। नहीं नहीं भाटिया साहब नहीं, चूहे जमा करने का फॉर्म तो आप ही के पास से मिलेगा ना। हाँ लेकिन आज फॉर्म्स खत्म हो चुके हैं, आप कल आइए। जी बहुत अच्छा। क्या बड़े अजीब लोग हैं, कल आया था तो कहा कि आ जाओ, आज कहते हैं कल आना। अजी 3 दिन से 2 चूहे ले घूम रहा हूँ, जमा नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैडम, झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। क्यों मिस? कुछ नहीं भाई साहब, ये सब इनके खाने पीने के तरीके हैं, बिना फॉर्म लिए चूहा जमा नहीं करते और बिना खाए फॉर्म देते नहीं है। अच्छा जी, आपको पक्का पता है कि ये खाती है? अजी पर फॉर्म 2 रुपए खाती है। लो एक 5 रुपए का नोट निकाला जरा, जल्दी करो। ये लीजिए साहब। अजी क्या करेंगे इसका? बस देखते रहिए आप, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। अरे भाई साहब आप चिंता क्यों करते हैं, आप देखिएगा कैसे एक सेकंड के अंदर मैं फॉर्म निकलवाता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, ठीक तो है आप? नहीं नहीं एक थप्पड़ किसी आवाज सुनाई दी थी मुझे। किसको पड़ा थप्पड़? गाल किसी को भी पड़ा हो, थप्पड़ तो आपका ही लाल है ना। गाल किसको पड़ा? थप्पड़ मेरा लाल? नहीं मैं समझा नहीं। थप्पड़ किसी को भी पड़ा हो, गाल तो आपका लाल है ना। भाई साहब लेकिन हुआ कैसे? मैं अभी बताती हूँ। नहीं 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 आपको बताने की क्या जरूरत है, मैं घर जाकर समझ जाऊंगा। एक बात बताइए, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? आप लड़कियों को इशारे दिखाकर नोट करते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती? लड़कियों को नोट करता हूँ मैं? लड़कियों को नोट दिखा के इशारे करते हैं तो लड़की तो थप्पड़ मारेगी ना। नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो रिश्वत दे रहा था। हाँ। ओ, अरे तो सीधा सीधा बोल देने का कि भाई रिश्वत दे रहा हूँ, हम मना थोड़ी करते हैं। आई मेरे साथ आई। नहीं वो मेरे 5 रुपए का क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाएंगे। किस में? आपको इतनी मेहनत करके थप्पड़ जो मारा है उसमें। आई आई मेरे साथ आई चली। मैडम हमारे चूहे ये फॉर्म भर के जमा करा दो, साथ में चूहों को अटैच कर देना। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद बाद में दीजिएगा, पहले पहले क्या रिश्वत तो दो। 6 रुपए पर फॉर्म।
6 रुपए? मतलब 6 रुपए रिश्वत नहीं है, रिश्वत सिर्फ 5 रुपए है। 1 रुपया फॉर्म की लीगल फीस है भाई। नहीं भाई साहब, लेकिन 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा कहाँ है, एक फॉर्म पर आप अनलिमिटेड चूहे जमा करा सकते हैं। समझो आप 10 चूहे लाए तो पर चूहे के 4 रुपए के हिसाब से आपको 40 रुपए मिलेंगे, तो उसमें से 5 रुपए नहीं दे सकते? ये तो गलत बात है ना भाई। हम आप लोगों के लिए इतनी नई नई स्कीम्स निकालते हैं और आप है कि हमारी कमाई के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये तो ठीक है ना, बोलते हैं ना ठीक है, तो रखो चूहों को शोकेस में सजा कर, मैं फॉर्म नहीं दूंगा। मेरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप, कोई भी आदमी चूहों को शोकेस में सजा के रखता है? भैया फॉर्म दीजिए, 6 रुपए दीजिए। 6 रुपए बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। अरे भाई नहीं नहीं, नो बार्गेन, फिक्स रेट। ये लीजिए 5 रुपए रिश्वत के और ये 1 रुपया फॉर्म का। ये लीजिए फॉर्म भर के जमा करा दीजिए। किसके पास? बड़े साहब भाटिया जी के पास। अब ये बताइए कि चूहे कहाँ मारे? जिन्हें मारे नहीं, पकड़े। हाँ हाँ, वही चूहे कहाँ पकड़े? जी एक चूहा तो मैंने अपने घर के स्टोर रूम में पकड़ा, एक संदूक के पीछे से पकड़ा और 2 समझ लीजिए यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ का ब्यौरा नहीं दिया आपने? यहाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ? नहीं नहीं, यहाँ वहाँ आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। क्यों? अरे भाई सरकारी फॉर्म में पूरा भरना पड़ता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ लीजिए आपके भाई आटे की बोरी में थे बाकी के 2 चूहे। आटे की बोरी में चूहे क्या कर रहे थे? अब आटे की बोरी में आटा खा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है। आपके आटे की रोटी बनती है? बनती तो हमारे आटे की रोटी है। पराठे भी बनते होंगे? पराठे भी बनते हैं। किस चीज के बनते हैं? अरे तरह तरह के पराठे बनते हैं, आलू के बनते हैं, गोभी के बनते हैं, मूली के बनते हैं, प्याज के बनते हैं। आज किस चीज के बने थे? आलू के बने थे। लेके नहीं आए जी? मतलब 4-5 पराठे ले आते तो क्या चला जाता यार तुम्हारा? नहीं तो अगली बार लेता आऊंगा, अब तो चूहा मारने की खातिर या पकड़ने की खातिर आना जाना रहेगा ही। अगली बार आना तो जरूर लेके आना। ये चूहे ले लो और ये फॉर्म भी ले जाओ। अरे जमा नहीं किया आपने? नहीं ये जमा नहीं हो सकते। क्यों? अरे फॉर्म ठीक से पढ़ा नहीं है आपने। एक फॉर्म पे कम से कम 5 चूहे जमा होते हैं, ये 4 हैं, एक और लाइएगा तब जमा करेंगे। अरे देखिए भाई साहब, एक ही तो काम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, इंक्वायरी होगी तो? नहीं अगली बार आऊंगा तो 6 लेके आऊंगा, उनमें से 1 निकाल के इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, रूल इज रूल, और वैसे भी मेरे खाने का टाइम हो गया। अरे खाने के लिए आप मुझे बताइए आप क्या खाएंगे, मैं खिलाता हूँ आपको। फिर क्या कमाओगे? अरे जाओ अगली बार कम से कम इतने चूहे लाना कि आने जाने का खर्चा निकल सके। जी अरे होना क्या है, वापस ले जा रहा हूँ, बैरंग जा रहे हैं वापस। क्यों जमा नहीं किए? अरे नहीं है, कहते हैं 4 नहीं कम से कम 5 चूहे चाहिए, अब मैं 5वां चूहा कहां से पकड़ के लाऊं? बड़ी दिक्कत चल रही है देश में। अरे दिक्कत कोई ऐसी वैसी, आपको क्या पता कि कितनी दिक्कत से मैंने ये चूहे पकड़े हैं? अरे डंडा पकड़ के भागता रहा हूं उनके पीछे, पूरा पूरा दिन बैठा रहा हूं। कोई और काम नहीं है क्या आपका? हलवाई की दुकान है मेरी। वेरी गुड, हलवाई की दुकान में तो बहुत चूहे जमा होते होंगे। हाँ हैं, बड़े बड़े हैं। तो ठीक है, एक और जमा करिए, 5 हो जाए, पूरे कर दीजिए। अपनी दुकान से तो 1 भी नहीं लूंगा। क्यों यार, चूहा जब इतनी बीमारी फैला रहे हैं। मेरे बेटे के फ्यूचर का सवाल है। बेटा क्या धंधा है बेटे का? मेरे हलवाई की दुकान के पास में ही उसकी दवाई की दुकान है, जो कोई मेरे यहाँ से मिठाई खरीदता है उसके यहाँ से दवाई खरीदता है। अब अगर मैंने अपने यहाँ से चूहे भगा दिए तो उसका तो धंधा बेचारे का चौपट हो जाएगा ना, मैं अपने बेटे का फ्यूचर खराब नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बात तो सही है, लेकिन कोटे का पूरा क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं एक आइडिया दूं? आइडिया दो मगर पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे मत देना यार पैसे। अच्छा दो आइडिया। अरे ये पांडे जी है, 30 चूहा डेली पकड़ेंगे, आपके नाम पे जमा हो जाएंगे, 4 रुपए प्रति चूहे के हिसाब से 120 रुपए हुए, आप अपना हलवाई की दुकान पे बैठ के 20 रुपए कमाओ ना। अरे हुए तो 120 रुपए और मुझे मिलेंगे 20? क्यों? 50 रुपए डेली मेरी फीस। नहीं चलिए 50 वो भी निकाल दीजिए, फिर भी 70 रुपए हुए, 20 कैसे? अरे यार हमारी दलाली का भी तो कुछ दोगे ना। दलाली के 50 रुपए? अरे नहीं भैया मैं ये काम नहीं करता, कल को इंक्वायरी हो गई तो मेरे पास आएंगे ना लोग और पूछेंगे कि भैया ये चूहे कहाँ से पकड़े, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर भी डेली 30-30 चूहे पकड़ना। डेली कहाँ मारना यार, एक ही बार पकड़ेंगे। आप जो हमें चूहे ला करके दोगे ना, वो रात में हम आपको वापस कर देंगे, अगले दिन फिर वही आके जमा करा देना बस। अच्छा मतलब दुनिया गोल है। अब पता चला ना चूहों की कीमत ज्यादा है दुओं से। तो बोलो ना। हाँ नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? अरे भैया पहले ही नकली तेल के अंदर मिठाई बनाने के चक्कर में 2 बार अंदर जा चुका हूँ मैं, और चूहों के चक्कर में अंदर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा यार। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। सोच लो। नहीं भैया नहीं पकड़ने मुझे। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे नहीं पकड़ने भैया मुझे। अरे सुनो तो, पान तो खिलाते जाओ। अरे यार अभी गया, खैर दूसरा आ जाएगा। वैसे पांडे तुमने अब तक कितने चूहे मारे हैं? सर टोटल जिंदा चूहे जमा हुए हैं 2,400। 40 का क्या मतलब हुआ? सर एक चूहा अधमरा सा है तो उसको आधा जिंदा में गिना है, आधा मुर्दा में गिना है। यही तो फिर टोटल हो गया 9,758 रुपए। और मरे हुए चूहों का? 4,441। 41, ओहो, वही आधा हमारा आधा जिंदा। ये पेटी में रखा है उसको। कितने हुए ये बताओ?
टोटल सर, टोटल पेमेंट की गई है 4,504,050। क्या? नहीं नहीं सर, अब 40,450। ये तो बहुत ज्यादा है पटेल। नो सर नो। नहीं नहीं टीना, एक काम करो, 4,441 को 4 से मल्टीप्लाई करो जरा। यस सर। सर ये हुआ 17,766। पटेल वही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा है ये, 40,450 रुपए कहाँ से आ गए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। सर एक्चुअली मरे चूहे जमा हो गए हैं 4,441 और फाइल में जमा हुए हैं 10,112। हाँ। और सर पेमेंट तो फाइल में जमा चूहों के हिसाब से होगा ना? किसको भाई? पेटी में जमा चूहों का, पब्लिक को। और फाइल में जमा चूहों का? हम चारों को। कैसे रहे सर? आइडिया तो बहुत टेस्टी है लेकिन मजा का ज्यादा नहीं है। सर थोड़ी मिठाई और डाल दें? जी हाँ, चूहों के रेट बढ़ा दो, 8 रुपए पर चूहा कर दो। ओके सर। अच्छा हुआ सर आपने पकड़ा, वरना अकेले खाने वाला था। ऐसे अकेले अकेले कैसे खाएगा? अब तो चारों। नहीं नहीं सासू माँ, आज चूहे जमा करने के लिए मत आना, शायद कल तक चूहों का रेट बढ़ सकता है। ससुर जी कहाँ गए? अच्छा चूहे जमा करने के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके हाँ मैडम, मुझे चूहे जमा करने हैं। चूहे जमा करने हैं तो टीना से फॉर्म ले लो, भाटिया जी से साइन ले लो और आके पेमेंट लेके जाओ। नहीं फॉर्म तो मैं पिछली बार आया था तो ले लिया था मैंने, ये देखिए। नहीं 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 ये तो पुराना फॉर्म है, ये नहीं चलेगा, नया फॉर्म लेके भाटिया जी से साइन लेके आओ। फिर से नया फॉर्म लेना पड़ेगा? हाँ। टीना के पास जाके? हाँ। 5 रुपए भी देने पड़ेंगे? हाँ मामा हाँ, जाओ ना। तो मैं तो जा रहा हूँ, आपका फोन बज रहा है। हेलो हाँ सासू माँ बोलो। लीजिए साहब एकदम फ्रेश फॉर्म लाया हूँ और ये 10 चूहे पकड़ के लाया हूँ। वेरी गुड, कहाँ से पकड़े? ये 6 तो इनमें से मैंने अपनी दुकान से पकड़े हैं। अच्छा किस चीज की दुकान है आपकी? हलवाई की दुकान है। क्या कब क्यों कब क्या? अरे क्या आप हलवाई हैं? जी हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। अरे पहले बता देते तो आपके चूहे पहले ही जमा हो जाते बिना मेरी कमीशन के। अच्छा मतलब हलवाइयों के लिए कोई खास छूट है क्या? हाँ नहीं मैं ये पूछा था कि आपकी दुकान है कहाँ? अरे वो फूल वाली गली है ना, उसके नीचे जो नाला बहता है। अरे तो वो नाले पे आपकी दुकान है? अरे उसकी तो जलेबियां बहुत मशहूर है, मैं तो हर रोज वहां से निकलता हूँ, अब तो जलेबियां खा के ही निकलूंगा। जरूर जरूर, उसके बगल में ही मेरे बेटे की दवाई की दुकान है। अच्छा लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? नहीं मैंने तो यूं ही बता दिया, कभी जरूरत पड़ जाए। थैंक यू वेरी मच। अरे आपके चूहे तो यूं जमा हो जाएंगे, ये लीजिए उषा जी से पैसे ले लीजिए। अरे अब आप मेरी दुकान के सामने से निकलिएगा, मैं आपको ऐसी जलेबियां खिलाऊंगा, ऐसी जलेबियां खिलाऊंगा कि आपको मेरे बेटे की दवाई की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सच्ची? जी। तो फिर मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ। क्या? चूहों के दाम बढ़ने वाले हैं। चूहों से ये महामारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है, सरकार ने फैसला किया है कि 1 चूहे पे 8 रुपए की जगह 15 रुपए मिलेंगे। ये अंदर की बात है? ये अंदर की बात है। तो आप इसे बाहर क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कुछ पैसा कमा सको यार। अच्छा मतलब जो आज चूहा 8 रुपए का है, अगर मैं उसको आज खरीद दूं तो 4 दिन के बाद यहाँ आके जमा कर दूं तो 15 रुपए एक चूहे के मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें मेरी कमीशन होगी, वो भी एडवांस। अगर आप एडवांस में मुझे खबर दे रहे हैं तो एडवांस में आपको कमीशन भी मिल जाएगी। ये 10,000 रुपए जमा हो गए, 5 मेरे पास, टोटल हो गए 15। 15 पहले वाले, 15 15 30 लेके भाग जाए क्या? फिर वही लुच्चों वाली बात। अबे पब्लिक बहुत मारेगी, कितना लूटेगा पब्लिक? अबे ओम से दुआ, कुछ हुआ? हाँ गाने हुआ, 10 दे के आ रहा हूँ, 80 रुपए लेके आ रहा हूँ। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे 80,000 कमा के ला रहे हो। तो 80,000 भी कमा लेंगे बगैर हमारी हेल्प के? इम्पॉसिबल। बात तो ये ठीक कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इसी को दे देता हूँ चूहे पकड़ने का। आप मेरे लिए चूहे पकड़ेंगे? जरूर पकड़ेंगे, पैसा एडवांस लेंगे। मिलेगा? कितने पकड़ लेंगे? 4 लाख रुपए। क्या? हाँ 4 लाख रुपए मेरी दुकान बिकेगी, कल आके एडवांस ले जाना, परसों आके चूहे ले जाना। ओके डन डना डन। आ जाओ ले अंदर अंदर ले आओ, यहाँ रखो। आ जाओ धन दिखाओ थोड़ा, यहाँ रखो। हाँ ये लो 100 रुपए। अरे छुट्टे की जरूरत नहीं है, जाओ। अब मुझे जरूरत नहीं छुट्टे की, आज करो। क्या बड़े साहब, क्या टीना जी, उषा बहन जी, भाटिया साहब कहाँ हैं? भाटिया साहब मुसद्दी लाल दुआ डीजूए दुआ। हाँ लेकिन आज तो आप पहचान में नहीं आ रहे। मैं आपके लिए जलेबियां लेके आया हूँ। क्या इन बोरों में? नहीं नहीं जलेबियां तो इस डब्बे में है, इन बोरों में तो चूहे हैं। क्या क्या इतने चूहे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी ये सारे तो ट्रक में लेके आया हूँ बाहर। क्या आप चूहों में ट्रक भर के लाए? जी नहीं, ट्रक में चूहे भर के लाया हूँ। पर क्यों?
भाई 50,000 चूहे ऐसे उठा के तो नहीं लाए जा सकते ना। 50,000 चूहे? जी हाँ 50,000 चूहे। भाई ये आइडिया ना भाटिया साहब ने दिया था मुझे, उन्होंने जब मुझे अंदर की बात बता दी तो भाटिया साहब मैंने भी ना 6,500,000 रुपए का खेल खेल डाला। बहन जी आप ऐसा करें, आप जरा किसी को बाहर भेजिए और जरा चूहे गिनवा लीजिए। 50,000 चूहे 15 रुपए के हिसाब से 50,000 के हो जाए 7,50,000 रुपए। तो आप मुझे 7,50,000 रुपए दे दीजिए। आप भले चाहें तो कैश दे दीजिए, भले चाहें तो आप मुझे चेक दे दीजिए, मुझे ऐतराज नहीं। 7,50,000 रुपए नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते? ये कैसा मजाक है भाई? नहीं मजाक नहीं कर रही है, सच कह रही हूँ। क्या सच कह रही है? 15 रुपए का एक चूहा है ना? नहीं नहीं 15 नहीं 8 था। 8 तो 15 दिन पहले थे ना, 15 दिन में तो बढ़ जाने वाले थे ना। हाँ बढ़ना तो था लेकिन देखिए देखिए था मतलब मतलब बढ़ा नहीं। हाँ अभी तक 15 हुआ नहीं है। अरे 15 नहीं हुआ? अच्छा चलिए ठीक है, 15 नहीं हुआ तो आप 14 के हिसाब से दे दीजिए। मैं 50,000 रुपए का ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं 14 नहीं मिल सकते। 14 भी नहीं मिल सकते? नहीं। तो भाई 13 दे दीजिए। 12? अरे 11 तो दे दीजिए, मैं 6,00,000 रुपए लेके चला जाऊंगा। नहीं नहीं देखिए जीरो का रेट चूहा हो गया है। क्या? इनका कहने का मतलब है कि चूहे का रेट जीरो हो गया है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कम हुआ कैसे हुआ? अरे भाई आपने कल का अखबार नहीं देखा? देखा है। तो आपने बिजनेस वाला पन्ना नहीं देखा होगा, उसमें आ रहा है ना कि चूहों के दाम गिरते चले गए। हाँ स्टॉक मार्केट के भाव के बिल्कुल पास में तो छपा था। पर क्यों क्यों गिरे? क्योंकि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बीमारी चूहों से नहीं कुत्तों से फैली है। इसीलिए कुत्तों के वर्ग और चूहों के गिर गए। मैं गिर जाऊंगा ऐसी बात मत कीजिए। मैंने 6,50,000 रुपए लगाए अपनी दुकान बेच के। क्या बात कर रहे हैं, दुकान तो 4,00,000 की बिकी थी। अरे 4,00,000 की तो मेरी दुकान पे की थी, 2,50,000 की मैंने अपने बेटे की दुकान भी बेच डाली। जब मिठाई कोई नहीं खाएगा तो दवाई लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? 4,50,000 रुपए के चूहे खरीद के लाया हूँ मैं। मगर फिर बाकी 2,00,000? बाकी 1,00,000 रुपया तो मैंने भाटिया साहब को दिया था अंदर की बात बताने के लिए। क्या भाटिया अकेला अकेले? और 1,00,000 रुपया इन लोगों को, ये शुक्ला और पांडे को। अरे वो तो हमारे चूहा पकड़ने की मेहनत किए हैं। सलाह देने के सर। अरे पर अब तो सलाह दो मुझे, मैं इन चूहों का क्या करूं? मैंने कहां कहां से मंगवाए हैं ये? भूटान भेजे तो बहुत मुश्किल से थोड़े से मिले, उसके बाद बांग्लादेश से थोड़े से मिले, बहुत ज्यादा चूहे मिले हैं पाकिस्तान से। अब सारे इकट्ठे करके लाया हूं, अब इनका क्या करूं? आपको कुछ नहीं हो सकता, ये चूहे तो चमन्नी के नहीं रहे। अरे तो इन चूहों का करूं क्या? मैं बताऊं, फैक्स कर दो। फैक्स कर दो? एक्सपोर्ट? अरे कहाँ एक्सपोर्ट कर दूँ? अरे चाइना, कोरिया, जापान। और वहाँ से कुत्ते इंपोर्ट कर लो। कुत्ते? हाँ, एक कुत्ते पर 20 रुपए हैं। पर कुछ नहीं, अंदर की बात बताओ, दाम बढ़ने वाले हैं। किसके? कुत्तों के। कुत्तों के? एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।